क्या कहना चाहोगे दादा साहब आगे? इतना प्रेस्टीजियस अवार्ड है, ये अवार्ड आपके नाम है, कैटेगरी क्या है, थोड़ा बहुत बताना चाहिए। ये मोस्ट प्रेस्टीजियस अवार्ड है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये अवार्ड मिलना नेक्स्ट ऑफ इमेजिनेशन आई थी। तो यहाँ के सारे जूरीज को हम थैंक यू देते हैं, प्लस अभिषेक जी, जितने लोग ने हमको इसके काबिल समझे ये अवार्ड के, सबको हम थैंक यू देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। क्या कुछ नया लेके आ रहे हैं Ivera Films Production? It is our newly we launches this company. It is I think 8-9 months old. हम काफ़ी सारे movies भोजपुरी में sign किया है, काफ़ी सारे हिंदी songs भी हमने songs audio हमारे पास already stuck पे है, उसका videos हम इस साल में करने के plan कर रहे हैं। और आप लोग की blessing तो सही है, आप लोग के blessing के अलावा तो आगे बढ़ना मुश्किल है। तो ब्लेस अस एवरीवन, थैंक यू। सर जन्मदिन के अवसर पे, आपके जन्मदिन के अवसर पर मराठी फिल्म का आपने घोषणा किया था कि यस, क्या कुछ स्टेटस है कुछ बताएंगे? मराठी हमारे काफ़ी सारा प्रोजेक्ट चल रहा है। एक औरंगावली का एक दगड़ी सॉल 3, इसका फ्रेंचाइजीज हमने बातचीत डिस्कस ऑलरेडी हो गया है ऑलरेडी। तो टिल सेप्टेम्बर, अगस्त सेप्टेम्बर हमारी शायद स्क्रिप्ट भी रेडी हो जाएगा दगड़ी सॉल 3। मराठी को सॉन्ग्स वो भी प्रोड्यूस करने के लिए हम सोच रहे हैं। तो काफ़ी सारा मराठी प्रोजेक्ट आपको आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और एक पॉलिटिकल मूवी भी मराठी का शुरू हो रहा है, वो भी। आप बहुत यंग टैलेंट्स को भी प्लेटफॉर्म दे रहे हो, आपकी बाजू में दो महिला है, सुंदर महिला है, क्या है उनका? हमारी बहुत पुरानी आर्टिस्ट अंबिका शुक्ला, फॉर हर we have some plans for us, some songs and some we'll find it out, we'll work it out. Secret. Abhishek sir, आपने वो घोषणा की थी भोजपुरी फिल्म को लेके भी, की थी पवन जी को, केसाई जी को लेके भी बनाने वाली बात होती है, कुछ स्टेटस है इसका? ये ऑलरेडी होल्ड है, अभी हमारा मेन बिजनेस आईटी है, सबका डेवलप करते हैं हम। तो अभी इस साल हम थोड़ा सा बिजी है, आफ्टर रेनिंग अगस्त सेप्टेम्बर हम वर्कआउट करेंगे इसके बारे में।